नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा हिमाचल के सत्तापक्ष विधायकों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा। वहीं निकाय चुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, अब ये आपको सुनवाते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है, और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव। और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मानकर चले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि सब मिला के 28 यानी मोर देन 60%, ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है, और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे, और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की बचाने के, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया, और एक अच्छे रिजल्ट के नाते से मैं हरियाणा की जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और जो जीत करके आए हैं, चाहे चेयरमैन हैं चाहे पार्षद हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा जो संगठन है वो बहुत नीचे तक, रूट लेवल तक, यानी पहले तो हम बूथ लेवल तक खड़ा करते थे, अब बूथ से भी आगे, उसके आगे पन्ना प्रमुख तक की इकाई हमने बनाई हुई है। और एक एक वोटर को संपर्क करना, एक एक परिवार को संपर्क करना, ये हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है, जो हरियाणा में भी है, सारे देश भर में भी है। और इस आधार पर ही हम लगातार पिछले कई वर्षों से हर चुनाव प्राय अच्छी मेजोरिटी से जीत करके आ रहे हैं, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों। हमारे दो बाय इलेक्शन और हरियाणा में हुए हैं, उसमें भी रिजल्ट को हम छोड़ दें तो हम आगे बढ़ करके आए हैं, चाहे वो इलाहाबाद था चाहे बड़ौदा था, तो उसमें भी रिजल्ट हमारा पहले की अपेक्षा अच्छा आया है। और इस नाते से आगे की भी जो भी चुनाव होता है उसकी सफलता मिलती है, उसकी आगे के चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ता है। आगे भी अब स्थानीय निकाय के चुनाव यानी पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर जो बचे हुए नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम हैं, उनके चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा के आएंगे, विधानसभा के आएंगे। अगले 2-2.5 वर्ष तो लगातार चुनाव के ही रहने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि हरियाणा की जनता, उसको हमारे पर भरोसा है, हमारी नीतियों पर, हमारी उपलब्धियों पर, और इस भरोसे के आधार पर हमको, जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है, उसका नामांकन अब हो रहा है, तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन कल होना है, तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फॉर्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फॉर्म भरे जा रहे हैं, देशभर में बाकी जगह फॉर्म भरे जा रहे हैं, और कल जो है नामांकन होगा, और निश्चित रूप से यूपीए के नाते से, एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा, उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे हम। कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहां से उपस्थित रहे। कल और हरियाणा के 46 शहरी निकायों में से 25 पर भाजपा जजपा गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद से ही सीएम मनोहर लाल को लगातार बधाइयां भी मिल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और बधाई दी है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने जीत का श्रेय पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। निकाय चुनाव में मनोहर सरकार का कमाल,
सीएम मनोहर लाल को मिल रही बधाइयां। रंग लाई सीएम मनोहर लाल की मेहनत। हरियाणा के 46 शहरी निकायों में से 25 पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की है। चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बधाई दी और इस विजय को पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि स्थानीय निकाय चुनाव में विजय हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी ये जीत जनता के उस विश्वास की जीत है जो वह 2014 और 2019 से अब तक लगातार भाजपा के प्रति दर्शा रही है। ये विजय पार्टी की मेहनती कार्यकर्ताओं को समर्पित है। इस ऐतिहासिक जीत पर सीएम मनोहर लाल को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर मनोहर सरकार को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा जसपा गठबंधन की शानदार जीत के लिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को ढेरों बधाइयां। राज्य सरकार जिस प्रकार विकास के पथ पर प्रदेश को निरंतर आगे ले जा रही है, जनता ने उसमें अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया है। वहीं पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट कर पीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया और लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, शुभकामनाओं हेतु आपका हार्दिक आभार। डबल इंजन की भाजपा जजपा सरकार आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर पीएम मनोहर लाल को जीत की बधाई दी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि हरियाणा स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा जसपा गठबंधन की जीत के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ओपी धनखड़ जी और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये जन समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। वहीं जेपी नड्डा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि राज्यसभा चुनाव की जीत के पश्चात हुए इन स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन सरकार ने कार्यकर्ताओं के बल पर पुनः हरियाणा में जीत हासिल की है। प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से मिली ये जीत संगठन को समर्पित है। आपके मार्गदर्शन, सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। स्थानीय निकाय चुनाव में परचम लहराने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मनोहर लाल को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि हरियाणा निकाय चुनावों में एनडीए की जीत पर मनोहर लाल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ओपी धनखड़ जी और बीजेपी जेजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जिस तन्मयता से जन आकांक्षाओं को पूरा कर प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा रही है, ये विजय उसे परिलक्षित करती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सीएम मनोहर लाल ने अमित शाह का आभार जताया और लिखा कि आपका समावेशी नेतृत्व, मार्गदर्शन और संगठन गढ़ने के कौशल से हरियाणा भाजपा इकाई ने सीख लेकर जो जीत दर्ज की है, ये सिलसिला हम आगे भी दोहराते रहेंगे। प्रदेश की जनता जनार्दन द्वारा प्रदान की गई विजय श्री को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। आपका हार्दिक आभार। 25 निकायों पर बीजेपी का कब्जा होने के बाद ये कहना गलत होगा कि मनोहर सरकार की मेहनत रंग लाई है और लगातार सीएम मनोहर लाल को बधाइयां मिल रही हैं। और पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भीम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसी दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कई बड़े ऐलान किए। तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मनोहर सरकार की खेल व्यवस्था को सराहा है। रिपोर्ट आप देखिए। Thank you.
पुरस्कार समारोह का आयोजन। 52 खिलाड़ी भीम अवार्ड से सम्मानित। मनोहर सरकार की खेल नीति की तारीफ। हरियाणा की मनोहर सरकार में बनी खेल नीति जहां खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होने लगी है, वहीं नई खेल नीति के बाद खिलाड़ी ओलंपिक में पदक लाकर हरियाणा का देश विदेशों में रुतबा बढ़ा रही हैं। और ऐसे ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पंचकूला में राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम अवार्ड देने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीम पुरस्कार के तहत भीम की प्रतिमा, 5 लाख रुपए की धनराशि, सम्मान पत्र, ब्लेजर, टाई और स्कार्फ प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड में खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन को देखते हुए किया जाता है। इस कार्यक्रम में राज्य के 52 खिलाड़ियों को पुरस्कार से नवाजा गया। आइए एक नजर डालते हैं भीम अवार्ड के मुख्य विजेताओं पर। भीम अवार्ड के मुख्य विजेता नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, बजरंग पुनिया कुश्ती, निर्मला देवी पैरा एथलीट, वीरेंद्र सिंह कुश्ती, ईशा खासा स्पेशल ओलंपिक टीटी। कार्यक्रम में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और मनोहर सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए किए गए घोषणाओं का जिक्र किया। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी बताया कि मनोहर लाल की सरकार किस तरह प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। पहले के टाइम में ये अवार्ड जो होते थे, सच कहा हमारे ACS स्पोर्ट्स ने कि भाई बंधु बहुत होती थी, मैं खुद गवाह हूं उसका। लेकिन आज के टाइम में हमने एक नई शुरुआत की है, जिस भी खिलाड़ी को भीम अवार्ड हम दे रहे हैं, इनकी योग्यता इनके टूर्नामेंट्स में मेडल के हिसाब से उसको ऑनलाइन दर्शाया जाता है, और उस ऑनलाइन के बाद उस खिलाड़ी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि ये खिलाड़ी के ये मेडल नहीं है, तो उसको रोका भी जाता है। तो ऐसा पहली बार और पूरे देश भर में पहला राज्य जो कर रहा है वो हरियाणा है। ये बहुत बड़ी बात है खिलाड़ियों के लिए, और ये वो लोग समझेंगे जिन लोगों के ऊपर ये बात हो रखी है। पहले बहुत कुछ होता था गलत सही, लेकिन अब सिर्फ सही होगा, गलत कुछ नहीं होगा। हमारे खेल विभाग में तकरीबन 190 खिलाड़ियों को हम पिछले 2.5 साल से अपॉइंटमेंट दे चुके हैं, और वो खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने मेडल जीते हैं, और बिना किसी सिफारिश के उन खिलाड़ियों को उनकी अपॉइंटमेंट लेटर मिली है, ना ही किसी मंत्री के, ना ही किसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है खिलाड़ियों के लिए। हमारे हरियाणा से भीम अवार्ड्स जो हैं वो बहुत से खिलाड़ियों के पास हैं, अर्जुन अवार्ड जो हैं बहुत से खिलाड़ियों के पास हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 2 साल होने को हैं, 1 नवंबर 2020 से ऑनरेरियम के रूप में 20,000 प्रति माह अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड इन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है जिनके पास ये अवार्ड है। और यही नहीं, जो खिलाड़ी भीम अवार्डी भी हैं इनको 5,000 प्रति माह इनको भी दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बार, और पहला राज्य है ये हरियाणा जो ऐसे कर रहा है। पहले ना तो खेल के मैदान होते थे अच्छे, ना ही अच्छे कोच होते थे, और ना ही डाइट होती थी, और ना ही डाइट के अलावा जब ये खेलने जाते थे तो इनको इक्विपमेंट मिलता था। खेल विभाग ने डाइट भी बढ़ाई है, 400 रुपए डाइट की है, जो किसी भी राज्य में 400 रुपए डाइट नहीं है एक खिलाड़ी की। 1100 नर्सरियां की हैं, और वो नर्सरियां सिर्फ ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ही नहीं, जो इस बार खेलो इंडिया में योगासना, कैलरपट्टू, गतका, ऐसी गेमों की भी हम नर्सरियां दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोषणा है, कल हमारी इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है, जिसमें ये
घोषणा हुई कि इन खेलों को भी हम आगे बढ़ाएंगे और नर्सरियां जो हैं इन खेलों को भी दी जाएंगी। 1 करोड़ गोल्ड मेडल, 4 करोड़ सिल्वर का, 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज का, 50 लाख चौथे नंबर पर आने वाले का, 15 लाख ओलंपिक जैसी गेम्स में पार्टिसिपेट करने का, उसमें से भी 5 लाख एडवांस जिसमें कि वो अपनी तैयारी कर सके, ये सब पॉलिसी बन सकती है, बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हरियाणा के खिलाड़ियों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना। आज के बच्चे मोबाइल फोन, इंटरनेट, वीडियो गेम्स इसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उनको मैदान तक लाने का जो इंटरेस्ट है, हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा स्पोर्ट्स विभाग उसके ऊपर भी काम कर रहा है और उसके ऊपर बहुत जल्द आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम बहुत बड़े लेवल पर इसको मैदान पर उतारेंगे। हमारे युवा साथी जिनकी एज 14 साल, 16 साल, 18 साल के अंदर आती है, उन खिलाड़ियों के लिए हम कंपटीशन कैसे बनाएंगे, उन खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल तक पहुंचने की सीढ़ियां कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर हर साल सभी खेलों की, सभी डिस्ट्रिक्टों में, सभी ब्लॉक लेवल के ऊपर, सभी जोन के ऊपर खेल होंगे और हर साल होंगे और खिलाड़ियों को इंटरनेशनल तक पहुंचने का मौका दिया जाएगा, ये भी घोषणा की है। ये बहुत बड़ी घोषणा है। इसी के साथ संबोधन के दौरान संदीप सिंह ने मनोहर सरकार की खेल नर्सरी योजना का भी जिक्र किया। हरियाणा खेल नर्सरी योजना 2022 की शुरुआत मनोहर सरकार द्वारा युवाओं और लोगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत खेलों के प्रति रुचि रखने वाले युवाओं के लिए खेल नर्सरियों को खोला जाएगा, जिसमें योग्यता रखने वाले युवाओं को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। आइए जानते हैं खेल नर्सरी योजना के क्या लाभ हैं। खेल नर्सरी योजना के लाभ, स्कूलों में अधिकतम 2 खेल नर्सरी की स्थापना, खिलाड़ियों को दी जाएगी कोचिंग, इंटरनेशनल और नेशनल खेलों की होगी तैयारी, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। खेल को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं भी लेकर आ रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी ढांचों और संसाधनों का इस्तेमाल करके खेलों को लोकप्रिय बनाना है, ताकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हरियाणा को खेल हब बनाने का सपना पूरा हो सके। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चारे की कमी को देखते हुए चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है, जो किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही गौशालाएं जो हैं, उनमें भी चारे की कमी को दूर किया जा सकेगा। क्या है ये योजना और कैसे प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को इसका लाभ मिल रहा है, हमारी ये रिपोर्ट आपको पूरा समझाएगी। सरकार की अनोखी पहल, गौशालाओं में चारे की किल्लत होगी दूर, किसानों को होगा आर्थिक लाभ। प्रदेश के किसानों के लिए मनोहर सरकार समय समय पर योजनाएं चलाती है, जिससे कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चारे की कमी को देखते हुए एक योजना लागू की है। इस योजना का नाम है चारा बिजाई योजना। इस योजना के तहत किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। किसान को योजना का लाभ लेने के लिए अपने हरे चारे को गौशाला में बेचना होगा। चारा का तय भाव के अनुसार दाम अलग से मिलेगा।
और सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 10,000 रुपए अनुदान भी दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक लाभ ले सकेगा। किसान को चारा बेचने के लिए गौशाला के प्रबंधक के साथ सहमति मूल्य पर चारा बेचने के लिए अनुबंध करना होगा। सरकार ने ये स्कीम गौशाला में चारे की किल्लत को देखते हुए चलाई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको चारा बिजाई योजना का मकसद समझाने की कोशिश करते हैं। चारा बिजाई योजना का मकसद किसानों को आर्थिक मदद देना, किसानों को सशक्त बनाना, पशुपालकों को चारे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि जो किसान गौशाला के आसपास में चारा उगाएगा उन्हें 10,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम लाभ की सीमा 1,00,000 रुपए है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। चारा बिजाई योजना का लाभ किसानों की आय का अतिरिक्त साधन बनेगा। राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। पशुपालन में काफी सहायता मिलेगी। प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। किसान चारे की बुआई के लिए प्रयास करेंगे। प्रदेश के किसानों और पशुपालकों में भी चारा बिजाई योजना को लेकर खुशी की लहर है और वो मनोहर सरकार का आभार जताते हुए थक नहीं रहे हैं। आइए अब आपको किसानों और पशुपालकों की जुबानी सुनवाते हैं चारा बिजाई योजना उनके लिए कैसे और क्यों लाभदायक सिद्ध हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई है किसानों के हित को देखते हुए। अपने CHC केंद्र में जाए और अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। मैंने 1 किला ज्वार का बोया, 2 किला ज्वार का बोया, सरकार 10,000 रुपए खाते में डालेगी और गौशाला वाले आपके पास आएंगे, जो रेट होगा मिनिमम देख कर जो भी है 200 रेट है, 150 का होगा, 100 का होगा, यानी कि इस स्कीम से किसानों को डबल फायदा होगा। ज्वार बोने से गौशाला वाले पैसे देंगे, सरकार भी 10,000 रुपए देगी, आपका जो फसल का टाइम है 2-2.5 महीने में खेत खाली हो जाएगा, अगली फसल भी आप जल्दी कर सकें। ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम चलाई सरकार ने। तो आप कितनी एकड़ जमीन का करवाने जा रहे हैं? देखिए मैं 2 या 3 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसी स्कीम किसानों के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद होगा, किसानों का भी भला होगा, गौशाला भी अच्छे से चलेगी, गाँव के लिए चारा बढ़िया होगा, भूखमरी के उस पर कगार न पहने आए, ये पुण्य काम भी होगा। ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और इसमें किसान का भी फायदा है और इसमें गौशाला का भी फायदा होने वाला है। जब गौशाला वाले किसी किसान से, मान लिया मेरे से या किसी और से, चारे के लिए जब कॉन्टैक्ट करते हैं, करार करते हैं, तो उसमें सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान देती है, जिससे किसान को भी लाभ हो जाता है और वो उसे कम कीमत पे चारा गौशाला में या अपना फ्री डाले बेचक जो को डालना चाहता है तो उसको 10,000 रुपये मिल जाते हैं और किसान का इसमें बहुत लाभ है और गौशाला में गौओं के लिए भी एक पुण्य का बहुत भारी काम है। और अभी सरकार ने ये फैसला लिया है कि पर एकड़ के हिसाब से जो हमारे फार्मर, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अनुदान देने की जो स्कीम है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का इस फैसले के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गौशालाओं के लिए विशेष प्रकार के इस पे स्कीम चलाकर कि गौशालाओं को कृतार्थ किया है और आने वाले भविष्य में ये जो स्कीम है ये फार्मर के लिए और गौशालाओं के लिए दोनों के लिए एक कारगर सिद्ध होगी और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की ओर से आए दिन किसानों के लिए कई ऐसी स्कीमें निकाली जा रही हैं जिससे किसानों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही एक स्कीम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने निकाली है कि अपनी गौशाला के आसपास चारा उगाने के लिए 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाके आवेदन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इस मुहिम के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 20 साल से हम गौशाला चला रहे हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने कि गौशाला के बारे में सोचा इस प्रकार से। चारे के बारे में पहले तूड़ी बहुत महंगी थी तो तूड़ी के बारे में भी हमें कुछ योगदान दिया गौशाला को, तो 3,40,000 रुपये अभी तूड़ी के योगदान के लिए CM साहब ने
हर एक गौशाला को गाय के ऊपर गाय के ऊपर भेजा। हम सीएम साहब के बहुत आभारी हैं और किसानों के लिए एक गौशाला के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली है जो कि पर एकड़ 10,000 रुपये किला जो गायों को चारा अपने खेत में बीजेगा गायों के लिए उसको 10,000 रुपये सरकार गायों के चारे के लिए देगी और जो 10 किले तक लगाएगा उसको 1,00,000 रुपया पर चारे के एकड़ के हिसाब से देगी। मैं सीएम साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिनकी सोच ऐसी है ईमानदारी की, नेक नीति की और समाज के प्रति, गमों के प्रति, और वो ईमानदारी के प्रतीक हैं, इस प्रकार से वो दयावान हैं, तो उन्होंने इस मद्देनज़र गायशाला को, गौशाला को चारा और स्वस्थ रखने के लिए ये किसानों को बहुत बड़ी मदद दिया है। मैं हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छी स्कीम है और पानी बचाना चाहिए, जो ना काम लगाए तो बढ़िया है, कोई अगर फसल बीजे तो बहुत बढ़िया है आगे। और सरकार क्या क्या सब्सिडी वगैरह दे रही है? सब्सिडी दे रही 7,000 रुपया किले एकड़ पर, और दूसरी जिस तरह फसल हो गई या हरा चारा हो गया जिस तरह उसका भी 10,000 रुपये दे रही है, तो बहुत बड़ी स्कीम है सरकार की, बहुत अच्छी सोच है। और हरा चारा है जैसे, इसमें भी बहुत सरकार 10,000 सब्सिडी दे रही है अपना, एक तूड़ी की बचते जैसे आज सूखे की प्रॉब्लम हो रही है, हर आदमी को तूड़ी नहीं मिल रही, तो चारा अपना हरा चारा है उसमें पशु दूध भी ज़्यादा देते हैं, अपना बेच सकते हैं, गौशाला में दे सकते हैं, और लोग भी मजदूर लोग भी काट के ले जा सकते हैं, तो उसमें फ़ायदा ही फायदा है जी, सब कुछ उसमें कोई माड़ी तो है नहीं। सरकार उसमें दे रही है 10,000 की सब्सिडी दे रही है। सर ये नीतियाँ सही हैं? हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी, सरकार की नीति तो बिल्कुल सही है जी, ये बहुत हर आदमी लिए अच्छी है, मजदूर लिए भी अच्छी है, जब चारा होएगा जिम्मेदार का खेत में तो हर मजदूर भी ले आएगा। चारा बिजाय योजना के लिए केवल हरियाणा के किसान और पशुपालक ही पात्र है। और क्या कुछ पात्रता है चारा बिजाय योजना के लिए, जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझे। चारा बिजाय योजना के लिए पात्रता, योजना के पात्र सिर्फ हरियाणा के किसान और पशुपालक। योजना के पात्र सिर्फ वही किसान जो पशुपालकों की गौशालाओं के लिए चारा उपलब्ध करवाएंगे। पात्र किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और अन्य दस्तावेज होना जरूरी। पात्र किसानों के पास चारा उगाने के लिए कम से कम 10 एकड़ भूमि होनी अनिवार्य है। चारा बिजाय योजना से एक बात अच्छी होगी कि एक तो पशुओं को भरपेट चारा मिलेगा, इसके साथ ही किसानों को कुछ धनराशि भी मिल जाएगी जो उनके मुश्किल वक्त में काम आएगी। मनोहर सरकार की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों और पशुपालकों को इस योजना से जोड़ा जा सके, क्योंकि जब तक है प्रदेश में मनोहर सरकार तब तक प्रदेश का किसान है खुशहाल। हरियाणा डायरी में आज इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।